करते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एनएस मैकेनिकल में। ये हमारे पास होंडा की ड्यू स्कूटी आई हुई है BS6 वर्जन की। इस बाइक का इंजन ऑयल हम कौन है ये लोग, कहां से आते हैं, रिप्लेसमेंट करेंगे और इस बाइक में होंडा का नहीं डालकर हम कैस्ट्रोल का डालेंगे, बिल्कुल जेन्युइन इंजन ऑयल। और जेन्युइन किस तरीके से निकलता है वो भी हम आपको बताएंगे। और इस स्कूटी में किस साइड से ऑयल को खोलना चाहिए, किस साइड से डालना चाहिए, कितना डलेगा, चलिए वो हम इस वीडियो में पूरा जाने। अच्छा, हमको सिखा रहा है। सबसे पहले क्या, बहुत सारी स्कूटी आपने सर्विस किया होगा, उसमें क्या है राइट हैंड यानी कि इस साइड से ऑयल निकलता है, लेकिन हमें क्या है इस साइड से ऑयल निकलना पड़ता है। अच्छा, 12 नंबर का इसमें बोल्ट डला हुआ है, यहाँ से हमको ऑयल निकालना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो बोल्ट है वो हमारा लोहा वाला दिया हुआ है, इस साइड में सिल्वर का कर दिया। अब पहले इधर लोहे का होता था 17 का, इधर होता था यानी कि सिल्वर वाला, अब उल्टा कर दिया है कंपनी, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट ऑयल भी निकालना है, यहीं से ऑयल निकालना है आपको, यही वाला बोल्ट खोल के, ठीक है ना। और यही बोल्ट है 12 का और 17 का गुना होता है। और कितना ज्यादा काला हुआ पड़ा है इंजन ऑयल, काफी ज्यादा ब्लैक हुआ पड़ा है, बोल्ट को फुल टाइट कर देंगे, ठीक है। और वार्सल भी हमको रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब खराब होता है तभी चेंज करते हैं। तो इधर से बोल्ट लग गया, अब इंजन ऑयल को डालेंगे। तो चलिए अब इसका जो देखिए यहाँ पर सील लगा हुआ है, इस सील को हम इस तरीके से फोड़ते हैं। और सबसे पहले आपको जेन्युइन का क्वालिटी दिखा देते हैं कि जेन्युइन जो होता है वो किस तरीके का इंजन ऑयल होता है, ठीक है। आप इस तरीके से सूंघेंगे तो जरा से भी स्मोक नहीं करेगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और प्लस में ये इंजन ऑयल का जो गहराई होता है वो काफी ज्यादा चिकनाहट के साथ होता है, ठीक है ना, तो बिल्कुल जेन्युइन है। तो अब हम इसको पहले डाल देते हैं इस तरीके से। अब जो है इसका गेज को इसको लगा देंगे इस तरीके से। और इसके अंदर हमने जो है इंजन ऑयल 900 ग्राम डाला, इसके अंदर कंपनी से जो डलता है वो हमारा क्या 800 ml डलता है, लेकिन हमने 900 डाल दिया कि अगर ज्यादा भी चले तो कोई नुकसान ना हो। और हमने ज्यादा नहीं डाला जो कि पिकअप पे प्रभाव पड़ेगा, आप ज्यादा डाल देंगे तो पिकअप बाइक में जो होता है स्कूटी में कम बनेगा। तो हमने सिंपल सा 100 ग्राम ज्यादा, आप जैसे कि इसको यहाँ से खोलेंगे हरा कलर का होता है, और आप इसको इस तरीके से घिसेंगे तो ये कलर जो है हाथ में नहीं आना चाहिए, और लोकल होगा, आप इसको इस तरीके से करेंगे तो ये छूट जाएगा। ये जेन्युइन का पहचान है और बाकी बहुत सारा ब्रांड है। और इसका पावर 20W40 है, यानी इसका एयर फिल्टर को क्लीन करेंगे, सर्विस में इसे क्लीन करना पड़ता है। तो इसको हम क्लीन करेंगे तो सबसे पहले जो है यहाँ पर ये सॉकर वाला बोल्ट को ओपन करेंगे, ठीक है ना, जिससे क्या होगा ये ताम झाम आपको खोलना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपको सॉकर वाला बोल्ट खोल लेना चाहिए, चाहे कोई सी भी स्कूटी हो। इस तरीके से हम पहले खोल लेते हैं, बोल्ट खुल गया, अब इसको हम इस तरीके से उठाकर खोल लेंगे। देखिए यहाँ पर एयर फिल्टर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा गंदा है, यानी कि धूल मिट्टी जमा हुआ है, यानी कि इसको रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो रिप्लेसमेंट करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, अगर इस रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं तो इसको क्लीन करना पड़ता है। अब हम इसको लगा देते हैं, जो हमारा एयर फिल्टर लग चुका है, सॉकर का बोल्ट को हम फुल टाइट कर देंगे, यानी कि इस तरीके से फुल सर्विस हो गया हमारा स्कूटी का। पीछे का व्हील नहीं खोलना पड़ता, सिर्फ आगे का व्हील खोलना पड़ता है, ज्यादा इसमें काम जाम नहीं है, इतना ही करना है। और इसी तरीके से आपको काम करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।